क्या खेसारी लाल यादव पवन की पॉपुलरिटी से इन दिनों डरे हुए हैं? जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से खेसारी लाल यादव अपने निगेटिव पब्लिसिटी की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहे और इस वजह से उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी लॉस भी हुआ। आपको ये भी बता दें कि खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरिया की आन बान शान हुआ करते थे, आज उनकी पॉपुलरिटी इस कदर गिर गई है कि उन्हें अपने हर एक गाने पर ऐड लगाना पड़ता है सिर्फ अपने गानों को प्रमोट करने के लिए, उस पर व्यूज़ लाने के लिए। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, खेसारी के गाने बाकायदा ट्रेंडिंग में रहा करते थे, लेकिन इन दिनों खेसारी के गानों के साथ ऐसा नहीं है। एकाध गाने अगर ट्रेंडिंग में आ गए तो आ गए, अदरवाइज खेसारी ट्रेंडिंग का मुंह तक नहीं देख पाते। आपको ये भी बता दें कि खेसारी के ग्राफ गिरने की वजह भी पवन सिंह को ही माना जा रहा है, क्योंकि पवन सिंह लगातार बहुत ही अच्छे वर्क कर रहे हैं और खेसारी वही घिसे पीटे वर्क कर रहे हैं। साथ ही खेसारी कुछ महीनों पहले से ही काफ़ी निगेटिव पब्लिसिटी अपने लिए बटोर चुके हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव लगातार निगेटिव सुर्खियों में रहे, जिसके वजह से खेसारी की पॉपुलरिटी डाउन हुई है। साथ वही पवन सिंह ने कुछ नया किया, लोगों को पसंद आया और लोग उन्हें देखना भी पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ पवन सिंह लगातार बॉलीवुड की तरफ भी रुख कर रहे हैं और अपने कई गानों को वो बॉलीवुड की मशहूर गायिका पायल देव के साथ ला रहे हैं और कहा जा रहा है बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पवन सिंह लेकर आ रहे हैं। साथ ही उनकी वेब सीरीज़ के लिए भी उनका नाम फाइनल हो चुका है और इसमें भी कई धाकड़ एक्टर उनके साथ काम करते नज़र आएंगे। वैसे आपको बता दें कि खेसारी का दुखी होना इसलिए भी लाजमी है कि खेसारी लाल यादव लगातार जिस पोजीशन पर बने हुए थे, उस पोजीशन पर जाने के लिए लोगों को कई सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खेसारी के हिस्से ये जो कामयाबी आई है ये बड़ी आसानी से आई, बड़े ही कम वक्त में आई। और आपको ये बता दें कि खेसारी लाल यादव इसी कामयाबी को सब कुछ मान चुके थे और उन्हें ये लगा कि वो जो करेंगे जनता उसे पसंद करेगी, लेकिन वक्त बदल चुका है, समय बदल चुका है, लोगों को कुछ नया चाहिए और खेसारी से अब लोगों की उम्मीद इसलिए भी बंध रही है क्योंकि खेसारी अब साउथ की फिल्मों के डायरेक्टरों के साथ काम कर रहे हैं और कुछ नया कर रहे हैं, तो हो सकता है कि खेसारी फिर पवन सिंह को वही पुरानी वाली टक्कर दे पाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।